हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं चूल्हे की रोटी बना रहे हैं। आज आपको देखते हैं, ये देखिए गाइस, चूल्हे की रोटी बना रहे हैं। चूल्हे की रोटी के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो रोटी भी खाने को मिल जाएगी, ऊपर से सेकने को मिल जाएगा, डबल फायदा हो जाएंगे। आजकल वैसे तो शहरों में तो चूल्हे की रोटी बनती नहीं है, गैस पे बनाते हैं, लेकिन गांव में अभी भी लोग चूल्हा जलाते हैं और इसकी रोटी स्वाद भी होती है और अच्छी तरह सिकती भी है, जिससे प्रॉब्लम नहीं करती। ये देखिए गाइस, और मोटे अनाज की तो रोटी और भी ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये मिक्स आटा भी रखा हमने, इसमें बाजरा, चावल, मक्की का आटा मिक्स करके तब बनाया, अब इसकी रोटी भी बनाएंगे। ये बहुत अच्छी होती है गाइस, ये देखिए गाइस, इसमें रोटी अच्छी तरह से पूरी सिकती है। स्वादिष्ट भी होती है। हेलो गाइस, ये देखिए मिक्स आटा गूंद रहे हैं। इसका गूंदने का तरीका भी कुछ अलग होता है गेहूं के आटे से ना। देखिए इसमें मुक्की नहीं लगती है, ये साथ के साथ इसको गूंद के साथ ही सेकनी होती है रोटी। गाइस इसको गूंदने में ना काफ़ी जोर लगता है, ये देखिए। अब इसकी रोटी बनेगी साथ के साथ। मस्से सीखने वाली है रोटी, और इसको नीचे आंच पर सेकेंगे। ये देखिए गाइस, अब नीचे आंच पे सेकेंगे इसको।
ठीक है गाइस, ये आपको दिखाई रोटी, मिक्स आटे की रोटी कैसे बनती है चूल्हे पे। ओके बाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।